दिनांक 25 मार्च रोजी शिवसेना प्रवक्ता व राज्यसभा सदस्य प्रियंका चतुर्वेदी यांची मिड द प्रेस आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी अनेक प्रश्नांची उत्तरे त्यांनी माध्यमांना दिली. तसेच फोन टॅपिंग बद्दल बोलत असताना त्या म्हणाल्या की जी फोन टॅपिंग होत आहे या प्रकरणाबाबत महाराष्ट्रातील जनतेला सर्व कळत असून महाराष्ट्राच्या जनतेला काय सुरू आहे हे सुद्धा माहिती आहे. त्याचबरोबर काश्मीरी पंडितांचे जेव्हा स्थलांतरण झाले त्यावेळी संपूर्ण देशात फक्त एक लीडर होते, ते म्हणजेच बाळासाहेब ठाकरे, ज्यांनी यांचा विचार करत त्यांच्यासाठी शिक्षणाचे माध्यम तयार केले अशी माहिती देखील त्यांनी यावेळी दिली. ट्वीट के माध्यम से कुछ भी आरोप लगा दें, कुछ भी कर लें, मैं उस पर टिप्पणी नहीं देना चाहूँगा. खास करके उस इंसान पे जो दिन रात उनका काम ही बन गया है कि आकर ट्विटर पे उल्टी कर दो, लिटरली उल्टी करने का काम करते रहते हैं, रायता फैलाते रहते हैं, फिर पोछना उन्हीं को पड़ता है. हाँ, उन्होंने किया होगा, इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है, पर आप सब भली भांति परिचित हैं किस तरीके से नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स को बीजेपी सेंटर से कंट्रोल कर उन पर ईडी का लगाकर उनके ऊपर गवर्नर ऐसा थोप कर ऐसे काम कर रही है, अपने मनगढ़ंत कहानियां रच रही है. इन्वेस्टिगेशन के दायरे में लगी, इन्वेस्टिगेशन टेल यू व्हाट द ट्रूथ इज. बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई है और जिस तरीके से ये पॉलिटिकल फाइट सामने दिख रही है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है. मुझे पूरी उम्मीद है कि वहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी जी, वो बिल्कुल इस पर ध्यान रखकर संज्ञान रखकर जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करेंगी. भले ही कहा जा रहा है उनसे जुड़े हुए, उनकी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, पर जो इन्वेस्टिगेशन होगा फ्री एंड फेयर होगा और हमें पूरी उम्मीद है कि वो उस पर ध्यान देगी. पर जिस तरीके से एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया जा रहा है पूरी दुनिया देश में, सोशल मीडिया पे आप देख लीजिए, आप फिर से उसको हिंदू मुसलमान बनाया जा रहा है, ये फिर से दुर्भाग्यपूर्ण है. क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का ट्राइड टेस्टेड पेटेंटेड फॉर्मूला है कि जितना लोगों में ध्रुवीकरण करेंगे उसका फ़ायदा होगा. आप कश्मीरी पंडितों के बारे में रोज़ बोल रहे हैं, मैंने अपनी बजट स्पीच में कहा, कश्मीर पर जम्मू एंड कश्मीर के बजट में मैंने ये कहा कि चलिए आप बिल्कुल उनके बारे में बात करिए, बात करना बनता है. और उस समय पे जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हो रहा था, उनसे उनको निकाला जा रहा था, उनके घरों पे कब्जा किया जा रहा था, उनको मारा जा रहा था 32 साल पहले, देश में एकमात्र लीडर थे, एकमात्र वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ने, जिन्होंने उनकी आवाज़ उठाई. आवाज़ ही नहीं उठाई, उनके लिए माध्यम बनाए, एडुकेशन के माध्यम बनाए. महाराष्ट्र एकमात्र राज्य था जिन्होंने ये शुरुआत की थी. आज भी कश्मीरी पंडित बहुत सक्सेसफुल हैं, अमेरिका है, दूसरे दूसरे देशों में हैं, सक्सेस स्टोरीज हैं. वो आज भी वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी को याद करते हैं, नमन करते हैं, क्योंकि उन्होंने काम किया, राजनीति नहीं की. और अंतर यही है भारतीय जनता पार्टी में, राजनीति पूरी कर रहे हैं, पर मैं पूछूंगी कितने कश्मीरी पंडितों को का घर उन्होंने बनाया? 10% से कम. ये मेरा जीरो आर क्वेश्चन था, 10% से कम घर बने हैं. 3000 रोजगार देंगे, 2015 में प्रॉमिस किया था, 2022 में बैठे हैं, 1000 रोजगार नहीं दे पाए हैं, सरकारी नौकरियां नहीं दे पाए हैं. जस्टिस की बात करते हैं क्या? आप पिक्चर देखो, टैक्स फ्री करके पिक्चर देखो, पर जस्टिस मिला उनको, उनके परिवारों को? क्या आज भी आपने उनके लिए एक ऐसी सेफ जगह बनाई कि वो लोग बगैर किसी भय के, बगैर किसी डर के वापस अपने घरों में लौट सके? उनके नाम पे आप खुली राजनीति कर रहे हो, उनके घावों पे आप मलहम लगाने की जगह घाव खोल खोल कर उसका राजनीतिक फायदा उठा रहे हो. शर्म आनी चाहिए.